गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम फ्रेंड्स, और आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। सुबह सुबह पर टाइम में तो अच्छा, मतलब सबका दिन अच्छा जाए, सबका फैमिली अच्छे से रहे फ्रेंड्स। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को भी मेरा प्रणाम है फ्रेंड। और बताओ आप लोग कैसे हो। तो मैं शुरू कर सुबह में उठ गई थी, आज सवेरे सवेरे उठ गई थी फ्रेंड। बच्चों लोग का तो अभी छुट्टी चल रहा है, अब छुट्टी ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा रोज आज मैं सवेरे उठ गई, मतलब फाइनली 5:30 बजे मैं उठ गई थी। तो सुबह के टाइम मैं तो मैं आज सुबह में सवेरे जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि आप, वो तो जाते नहीं वॉकिंग करने, तो मैं बोली मैं आती हूँ थोड़ा देर वॉकिंग करके। तो मैं 6 बजे निकली और 7:45 बजे घर में आ गई। ठीक है, मैं फिर जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे आलू और परवल को छील रहे थे, और आज 4 तारीख है ना फ्रेंड, 4 जून है, आज इलेक्शन का रिजल्ट निकलने वाला है, तो वो गिनती देख रहे हैं टीवी पर और सब्जी काट रहे हैं। तब तक मैं इधर गर्म पानी करके चाय बना ली, और सबसे पहले मैं तो थायराइड का दवाई खा के गई थी, उसके बाद मैं मेथी जो होता है वो अकड़ा हुआ मेथी को मैं रखी हुई थी फ्रिज में, फिर उसको निकाल के हम दोनों दो चम्मच खाएं, और उसके बाद गर्म पानी पिए मेथी खाने के बाद। और उसके बाद बहुत ही फ़ायदा होता है, आप लोग भी यूज करना मेथी। उसके बाद मैं रेडी क्या कहते हैं चाय बनाए, चाय पिए हम लोग दोनों। बिस्किट तो था नहीं, तो खाली चाय पिए, बिस्किट ख़त्म हो चुका था। फिर मैं परवल का सब्जी कट करी, उसके बाद आलू सब कट करी, फिर मैं सब्जी बनाने के लिए रेडी हो गई। ठीक है, और मेरा सब काम हो चुका है, झाड़ू पोछा हैन तेन सब हो चुका है फ्रेंड्स। और आज तो मैं बनाई हूँ राजमा का सब्जी, अब परवल का भी बनाई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब आप लोग को राजमा पसंद है कि नहीं पसंद है, आप लोग कमेंट में बताना। मैं गांव गई थी तो मेरी मम्मी आलू का चिप्स और ये राजमा दी थी मुझे स्नैक्स में। ठीक है, तो मैं लेके आई थी तो 2 दिन बनाई थी। ठीक है, वो टेस्टी सब्जी बनता है और पौष्टिक भी होता है, आप लोग भी खाना, ये कोई विटामिन से कम नहीं है, बहुत पौष्टिक होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बता दूं कि आप मेरा ग्रीन साड़ी देख रहे हो, ये साड़ी पर मैं आज मैं वीडियो बनाई हूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या करूँगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को स्किप करके एकदम मत देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स बता दूं कि मुझे गर्मी छुट्टी में मन था बहुत जाने का अपना घर बिहार, लेकिन नहीं गई। बच्चा का स्कूल, क्रिकेट, ट्यूशन, ये पढ़ाई, ये सब एकदम से इम्पोर्टेंट है ना, घूमना फिरना तो लगा रहेगा। अभी मैं तुरंत अप्रैल में आई थी, तो बार बार तो जाना इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, मेरे छोटे बच्चे के पैर में घाव हो गया है बहुत जोर, बेचारा सारा रात 2 दिन नहीं सोया। और आप लोगों से मैं बता दूं कि मतलब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कोई चीज़, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग भी अपना बात शेयर कर सकते हो मेरे से। Thank you.
Thank you.
Thank you.
the top of 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 the top of